देखिए दोस्तों, हॉर्नेट पैलेट से हम इन तीन गन पे अभी टेस्टिंग करेंगे। सबसे नीचे ये रखिए NX 200, फिर ये ESA की नाइट्रो और फिर ये कैम स्टार की नाइट्रो पिस्टन। तीनों का हम सामने पावर टेस्टिंग करके देखेंगे हॉर्नेट पैलेट से कि क्या रिजल्ट बनता है। चलिए यहाँ से आपको रिजल्ट दिखाते हैं। इतनी पास से आई थिंक सफिशियंट रहेगा। सबसे पहले हम NX 200 चलाते हैं, इसे सबसे ऊपर चलाएंगे और तीन पीपे हमने रखे हैं जिनपे एक भी डेंट नहीं है और ये तीनों ही लगभग थोड़ी थोड़ी पुरानी है। ESA तो अभी नहीं आई है, ESA नहीं है, ये कम से कम 6 से 8 महीने पुरानी है और कैम स्टार भी 3 से 4 महीने पुरानी है, पर इतने में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए पावर टेस्टिंग में। तो चलिए सबसे पहले NX 200 को ऊपर लेंगे कि क्या रिजल्ट बनता है। दो दो शॉट चला लेंगे कि एक शॉट से प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिला या कहीं इधर उधर लग गई हो। तो सबसे ऊपर NX 200 और सेम डिस्टेंस से चलाएंगे। NX 200 की कंपनी के लिए में 850 FPS और ESA की 800 FPS है। ESA को हम सेंटर में चलाएंगे, डिस्टेंस सब सेम है हमारा, किसी में भी किसी भी तरह की डीजलिंग नहीं की हुई है, बल्कि कुछ शॉट्स चलाए हुए हैं तो जो ऑयल होगा वो भी बाहर निकल गया होगा। पहले अभी कुछ शॉट चलाए हमने कलिन से। सेंटर में ESA जिस सिचुएशन में रखी हुई है, जिस फॉर्म में ये रखी हुई है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसी फॉर्म में हम चला रहे हैं ऊपर नीचे। अब ये कैम स्टार सबसे लास्ट में चला रहे हैं, सबसे नीचे। कैम स्टार के अंदर एक पैलेट ऑलरेडी लोड है क्योंकि हम कल फ्लैट हेड चला रहे थे, तो इसे अभी हम कहीं और चला देते हैं। फ्लैट हेड डला हुआ था कल, इससे मैं चला रहा था कैम स्टार को, तो इसीलिए इसके अंदर डला हुआ रह गया, वो लोड नहीं रही बस। अब इससे हॉर्नेट चला करके देखते हैं क्या रिजल्ट बनता है वहां पर। अच्छा, डिस्टेंस हमारा सेम है, जिस पोजीशन में हम बैठे थे उसी पोजीशन से हम ले रहे हैं। चलिए आपको रिजल्ट दिखाते हैं। ये देखिए, सबसे पहले हमने NX 200 चलाई सबसे ऊपर, सेंटर में हमने ESA चलाई है, सबसे लास्ट में हमने कैम स्टार चलाई है सबसे नीचे। तो इनके रिजल्ट आपको दिखाते हैं। ये देखिए, सबसे ऊपर NX 200, सेंटर में ESA, सबसे लास्ट में कैम स्टार। यहां से अंदर घुसे हैं और पीछे से लगभग देखिए ये हाल किया है सबने, दिख रहा होगा आपको, सबने पीछे से फाड़ दिया है। ESA ने भी पीछे से फाड़ा है, पर सेकेंड पीपे पे ESA ने केवल डेंट दिया है। ये देखिए, केवल इसने डेंट दिया है और NX 200 ने भी एक फाड़ के अंदर चली गई है और दूसरे पे इसने केवल फाड़ा है, अंदर नहीं गई। और कैम स्टार ने भी एक पैलेट अंदर गया है, कैम स्टार का भी, और एक पैलेट ने सिर्फ डेंट दिया है। ये पता नहीं किसका पैलेट यहाँ रिकवर हुआ है, यहाँ मिला है। और देखिए दोस्तों, कैम स्टार ने क्या किया है, कैम स्टार का जो अंदर घुसा था उसने पीछे से भी फाड़ा है और ये वाला जो डेंट है ये डेंट NX 200 का है, सेकेंड पीपे पे। थर्ड की तो बात ही छोड़ दीजिए, ये सब सेकेंड पीपे पे हॉर्नेट पैलेट से विदाउट एनी डीजलिंग।